अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबर नामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। दिल्ली सरकार तरफ च आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांज करना आमुत, यत दौरान दिल्ली हिंद वजीर आला अरविंद केजरीवाल वोन जे दिल्ली सरकार तरफ यी अन करीब दिल्ली बाजार के नाव सहित एप लॉन्च करने यम सहित सारिफन घर बिहित दिल्ली हिंदन तमाम बाजरन तम रसोई हासिल सपद। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। वो अपनी क्या सर्विसेज हैं, अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके जरिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुँचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुँचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इस पोर्टल पे वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक खान मार्केट है, इस पोर्टल पे भी एक खान मार्केट होगा जो कि खान मार्केट का हूबहू होगा। आप इस पोर्टल पे जाके एक्चुअली खान मार्केट के अंदर घूम के आ सकते हैं। पोर्टल के ऊपर लाजपत राय मार्केट है, इसमें भी लाजपत राय मार्केट, लाजपत नगर मार्केट है, इसमें भी लाजपत नगर मार्केट होगी। जितनी भी सरोजनी नगर मार्केट है, हौज खास मार्केट है, सारी मार्केट्स, छोटी कॉलोनियों के अंदर जो डीडीए मार्केट, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वो भी इसके अंदर होंगी। सारी मार्केट्स, दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं, सामान खरीद के आ सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो इस पोर्टल के बहुत फायदे हैं। अभी मुझे दो चार फायदे जब ये बन जाएगा पोर्टल, एक तो ये कि दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो अमरीका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमरीका में कोई आदमी बैठा, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके, उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। तो एक तो लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हुए दिल्ली के लोगों का एक कस्टमर सामान खरीद सकता है, कहीं भी कोई भी बैठ के किसी मार्केट के अंदर जा सकता है या किसी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। वो दिल्ली बाजार में आ सकता है और प्रोडक्ट टाइप कर सकता है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट जो जो मार्केट में जो जो दुकानें वो प्रोडक्ट बेचती हैं वो सारी आ जाएंगी, वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते। पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर किस पलंदरी इलाकस में आज सड़की हुंद आग दिलदोज हादसे पेश आमुत, यद दौरान कया इंसानी जू जाय सपदमित। पाकिस्तानी मीडिया तरफ वन्ना आमुत जे पलंदरी हिंदिस मंजाड़ी इलाकस में तमि सात अकिस मुसाफिर बस हादसे पेश आमुत, येले गाड़ी ड्राइवर सिंह कोबू नेबर सपदित अकिस खाई मंज लाइन आई। इब्तदाई खबरन मंज ये जो दर्जन खोत ज्यादा मुसाफिर जहाँ बहक तो कया जख्मी वन आमुत, ताहम वन मरन वाले लूकन हिंदिस तदाद मे मजीद इजाफ सपद। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये हाल ही जम्मू कशीर हिंदिस दौरस दौरान श्रीनगर शारजा हवाई परवाज इफ्तिताह कोर, तो यह कदम तुलने सहित न सिर्फ वादी हिंदन ताजरन मंज खुशी वश्न अस इवान बल्कि मरकजी सरकार तरफ यह कदम अख मसबत कदम वन्न अस इवान, ताहम च तमि सात वादी मंज रोजन वाले ताजरन मायूसी सपजमच ये पाकिस्तान तरफ एयर स्पेस दिनस इनकार करना आव। यन तजिया निगारों तरफ वन्न इवान जे पाकिस्तान के अमे इकदाम सहित हेकन भारत पाकिस्तान के रिश्तन मंज मजीद मुचकरी पद सपद। अत खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने बापत श्रीनगर पे सती हिलाल हांजूरी अस सन। हिलाल खबरनामस मे तुम सठा खैर मकदम
यूजन पत्मे रेतन त्रवि पे पंचम तारीखस तान घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीर अमित शाह सुंद जम्मू कशीर हुंद दौर उस तो अत दौर पे सारे हिंस नजर आस तो दौरस दौरान ये तमो श्रीनगरस मं श्रीनगर पे शारजा हवाई परवाज इफ्तिताह कोर तो वारियान लुकन अंदर उस खुशी तो वुछने तो वन उस अम सक सयाहत ते सठा वादी हिंदिस पोछर मिलित मगर उस आज पाकिस्तान तरफ खबर ब्रो कुन कि एयर स्पेस दिनस कर तमो इनकार तो ये खबर ब्रो कुन इन पत वादी हिंदन ताजरन या सयाहत सबस्त लूकन मं कम कस्म ख्याल इजहार ख्याल क्या तिहद दोन मुल्कन हिंदिस रिश्तस मं इस गोड़े मुचकरी वुन क्या तथ मा मजीद मुचकरी सपदन इम्कान अमीन योत अमे हवाई सर्विस तल्लु चूंकि पाकिस्तान कोर आज ये कथ नश इनकार कि तमो वो कि तम दिन पन फजाई हदूद जन पन एयर स्पेस सह दिन तम अमे परवाज खतर इस्तेमाल कर इजाजत कह चूंकि जो पहलु ये कि वन जहाज श्रीनगर के हवाई अड्डे पेठ शारजा कुन रवाना सपद तथ गुजरात यानि अहमदाबाद किन गसुन उदयपुर मज उस पत ओमान बुथि वाति वाति यानि यह कम बेश डोड घंटे सफर वन बढ़ान न सिर्फ यह डोड घंटे सफर अकिस मुसाफिर सुंद बढ़ान अकिस जहाज सुंद बढ़ान बल्कि अम सन जहाज किराय आस तमिश टिकट रेट आसा तथ मज ते गस हो मान तो चूंकि अगर श्रीनगर पेठ कशरस दुबई आसा गसुन अत इंटरनेशनल परवाज मज सवाल आसा सपदन अत मन कहें ती शक कि तमिस ग द्रोग तो तहद खतर चुन बिल्कुल ती बेहतर कह कि पाकिस्तान ने डिसीजन नियो नंबर अक नंबर जो ये कि यमन तौर सयाह यहां यम कशीर वातहन चूंकि कशीर मज वुछान कि ये सयाहती इंडस्ट्री सारी खुद बड़ इंडस्ट्री तो अत मे चीज ती वुछान कि यीतिया सयाह योर इन तमिक फायदे चु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल वास्ते या बिला वास्ते सहरस मिलान चाहे सो ये टैक्सी वोल ऐसा चाहे सो ये होटलर ऐसा चाहे सो ये गुरी वोल ऐसा या कह दुकानदार ऐसा तमिस अमिक फायदे जरूर वातान मगर ये साथ रेट हाई ग तमिक क्या ग तम सयाहन हूँ तैदान कम ग तो अमे एतबार ये वो तो जम्मू कश्मीर जो टूरिम इंडस्ट्री है तथ वो अमे डिसीजन सत नुकसान मगर इस अमुक एक्सटर्नल डायमेंशन सह कि तह याद कि यु हाल खबर गश्त आस कर तो ये पत् दखल वजीर अमित शाह अमे हवाई सर्विस इफ्तिताह कोर तो अमे इफ्तिताही तकरीब पत् आव यह तासुर दिन कि यह भारत बड़ बार डिप्लोमेटिक जीत यह बड़ बार विक्ट्री तो चूंकि ये सात यह कत गई तो पाकिस्तान के जरा इबलग मे आई तत् सपद अत बहस मुबहस इस तक पोलिटिकल क्लास तमो दिल अत पठन सवाल या डिप्लोमेटिक सतह पे आव पाकिस्तान सठा ग्रिल कर पन्नस मुल्कस अंदर यम कि प्रेशर क्रिएट गो तत्किस क्यादत पे चूंकि जो पहलु ये क्या भारत पाकिस्तान दरमियान यम सात यह जहाज सर्विस शुरू कर कत कर आई तो पत् पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल कर कत कर आई क्या तमीज उसा पाकिस्तान इजाजत दुत यह बोर् सवाल तिकाज अत सवाल जवाब उमर अब्दुल्ला दिवान तिकाज उमर अब्दुल्ला सुंद वन तमे सात ट्वीट कोर यम सात यह हवाई सर्विस आगाज कर तम वो तमे सात कि क्या पाकिस्तान दिल बदलो दह पह कह वह कि तमो दिन एयर स्पेस इस्तेमाल कर इजाजत दिन अगर वाकई एयर स्पेस तमो इस्तेमाल कर इजाजत दुत तो तेल कह वजह कि आइंद वक्त मज फ्यूचरस मं मुस्तबिल मज ग भारत पाकिस्तान रिश्ते ते बेहतर यह उस उमर अब्दुल्ला तमीज ख्याल क्योंकि अख दूर अंदेशी तो अख सियासी बसीरत अख एक्सपीरियंस वनो जरूर कि उमर अब्दुल्ला तन ट्वीट तल उस जाहिर ग तिकाज तमिस एक्सपीरियंस तमें वोचमुत कि साल जो सा दह जहा कह कित आव इस इंडियन एयर सर्विस एयर इंडिया एक्सप्रेस सह कित आव तम सात वापस सोजन नंबर अक नंबर जो महबूबा मुफ्ती हूँ ट्वीट तमो वो अत ट्वीटस मं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ अत प्रोजेक्टस ओतर इफ्तिताह कर अत एयरलाइंस इफ्तिताह कर यह कह ग्राउंड वर्क गम कहें अत ना सा जमीन स्तर पर कह गम कहें बल्कि महबूबा मुफ्ती पन्नस ट्वीटस मं ये लोखमत कि भारत नसा कर कोशिश ते कि तम हान पाकिस्तान से एयर स्पेस तो तम एतबार महबूबा मुफ्ती बेस अकिस लाइन मज ट्वीटस मज लेखान कि यह पी आर बनान कोशिश यह इसराफ कर कोशिश या यह
बरसर इकदार भारतीय जनता पार्टी अख माइलेज हासिल करने की कोशिश करान तासुर दिन यह महबूबा मुफ्ती हूं यह तासुर तो इस तरह अमिक एक्सटर्नल डायमेंशन अलग तो इंटरनल डायमेंशन अलग। हिलाल यदवे ने दोन मुल्कन दरमियान भारत पाकिस्तान दरमियान अत मामलस हवाल कहीं कत सपजम तेल क्या जरूरत मरकजी सरकार नजर तल कि जल्दबाजी मज आव सर्विस इफ्तिताह करना या अगर अगर ने पाकिस्तान भारत दरमियान महाद सपुदमुत कैंसन दोहन क्याज कर पाकिस्तान अत पे कह तो कह दो गचित आव पाकिस्तान तरफ वन कि असा दिमो पन एयर स्पेस कह अमीन चूंकि सन नाजरन तम कत नश वाकफ कि वह कल पे शिटनार भारत तो पाकिस्तान दरमियान क्या कह बिजनेस ट्रेड या बे चीज आतम वुचान कि दरपर्द कत बात सपदान अत मे फार्मली कत बात सपदान कहें चाहे सह कौमी सलामती मुशीर हिंस कत बात ऐसा सह दुबई अंदर ऐसा सह बदल कुन जाए ऐसा मगर अच्छे वुचान कि दरपर्द अत पे ज्यादा लबकुशाई गहन इसलिए उस कत पे तुम्हें पर्द वोमुत कह क्या पाकिस्तान अम ख हामी भरम क्या पाकिस्तान अम कथ इजाजत दुत कि गोडनेथ वो तत्पे वे पर्द वे वाशगाप अल्फाजन मन सबित सपदान कह कि पाकिस्तान अम ख हामी भरम मगर यम जन मुबसरीन तम यही वनान कि योत तम नोशनी मुल्कन दरमियान कह कत बात गीतिस कल यह पब्लिकस मज या पब्लिक डोमिन मज कह कहें चूंकि अब वो मुल्कस अंदर तय कथ पथान कि अम ख क्या ग्राउंड वर्क कर होम वर्क कर यह क्या आव उतावली मज जल्दबाजी मज फैसला निन तो अमिक मरकजी सरकार वन तनकीद निशान बनान मगर चूंकि दोशवे मुल्क पान वन सियासत कर कोशिश करान तो यह सियासी मूव ये वो यह तत् ख्याल पत्मी लटि डेवलप गयो भारत अंदर कि यह सा जीत तथ पे कुन नुन रंगी कारजर्ब सबित सपदान। हिलाल तुम्हें सठा शुक्रिया खबरनामस मज स रोजन बापत हिलाल हांजूरी श्रीनगर पे जन कत कान तथ खबर हवाल इस खबर आज सुबह ब्रोह कु आई ये पाकिस्तान वोन जम दिन पन एयर स्पेस इस्तेमाल कर कुन तारत किस फजाई यानी हवाई जहाज तो अम पियासी तजिया निगारों तरफ या हिजब इख्तलाफ लीडरों तरफ सवाल मरकजी सरकार पे खड़ा कर तथ हवाल यही वन कि शारजा श्रीनगर फ्लाइट इफ्तिताह कर अमि ब्रो पाकिस्तान एतमादस मज न क्या यह मरकजी सरकार मजबूरी या अत पिन वजूहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल वोनमुत जुदवे गोडे वादी मज लछवाद फोर्सेस एहलकार तैनात कर आमित तो मरकजी सरकार तरफ वादी मज अमन अमान आसन दाव कर तत मजीद फोर्सेस एहलकार तैनाती हिंस खबर ब्रो कु सवामी तो सियासी हल्कन मज तश्वीश पद सपदमुत। पहले से ही जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर और कश्मीर में बिलखसूस दो तिहाई फौज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तैनात की गई है जो जगह जगह आवाम देखती है आवाम में रुकावटें पैदा की हैं कि उसने बैठने चलने फिरने में रुकावटें हैं और इसी तरीके से आज फिर वो माहौल कायम किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है एक तरफ ये कह रहे हैं कि हालात मामूल के मुताबिक हैं कामकाज हो रहा है मरकजी सरकार के जितने भी वजीर हैं और उनके अफसर साहिबान तूल अर्ज में जम्मू कश्मीर के बशमूल लद्दाख और जम्मू के दौरे कर रहे हैं और डंडोरा पीटा जा रहा है कि हालात पुरअमन है पत्थरबाजी खत्म हो गई है शोर शराबा खत्म हो गया है लोग अब नई फिजा में सांस ले रहे हैं ये सब सरेआम साबित हुआ है। ये सरकार का इकदाम जो है ये अवाम कुश है ये जाबिराना और आमिराना तर्ज अमल। भारतीय जनता पार्टी लीडर अशोक कोलन डोडस मज अकिस तकरीब पत जरा इबलाग सत कान वोनमुत प्रेत कान खेल गचि सियासत निश दूर थवन इन युत जन शायकीन लुत्फ अंदोज सपदन। मैं इस बात का हामी हूं कि मैच को किसी पार्टी या किसी कंट्री के दायरे से नहीं देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है मैंने जो कहा कि मैच को मैच के ही उस हद तक रहना चाहिए।
मैच में ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है, जहां भी कुछ हुआ है वो भी ठीक नहीं हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। हम सबको जो भी कोई मैच होगा उसको मैच के ही, वो चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, मैच को मैच की बात। ज़िले इंतजामिया बड़गाम तरफ आज माजहम बड़गामस मज अवमी दरबार सज कर आमुत यथ मिल तरकियती कमिश्नर बड़गोम तो मुख्तलिफ महकमन हंदो ज़िले अफसरों अलाव मुकमी लूको शिरकत कर अत मौक पे लूको तरफ कैया मसल वतलावन आई तच कैया मामले मौकस पे अंजरन आमित ये जिल तरकियती कमिश्नर मौक पे मौजूद अफसर हिदायत दि लूको तरफ वतलावन आमित मसल अंजरान हवाल ग संजीद कदम तुलन यन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन ये स्टेशन पावर स्टेशन तथा गई आठ वरी पकान अस दिवान वन कह तो आब मसल तो बेस कम ब्लॉक काम कह सदा अर्दा तमी मटीरियल तो बंद अस गम काम ग या तो मकसद इंसान योर वनो यह गोस ग नकिन दिवान बस ये वन वोल करो क्या ये कम गि डी सी सब आव अठा शुक्र गुजार डी सी सब मगर हम कम गि गसान कम क्या वन वोल मजामा में आज हम आए हैं जो हमारा वीकली ब्लॉक दिवस होता है उस जमन में तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन हैं कि डी सी को ब्लॉक दिवस जो है हर हफ्ते में किसी जगह पर करना है, पूरा दिन लोगों के साथ बैठना है, उनके इश्यूज सुनना है और जो मसाइल मौके पर हल होते हैं उनकी वहीं पर निपटारा करना है और जिनमें टाइम लगता है उस पर भी काम किया जाएगा। तो मकसद आउटरीच का यही है कि लोगों के साथ बैठें और ग्रासरूट लेवल पर जाके लोगों के मसाइल सुने और उनके हल। कुलगामिस में आज जिले इंतजामिया तरफ अवमी दरबार सज कर आमुत यथ जिले तरकियती कमिश्नर कुलगोम तो मुख्तलिफ महकमन हंदो जिले अफसरों अलाव अवमी नुमाइंदो तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे लूको तरफ पन्न पन्न इलाकन हिंद मसल वतलावन आई तच जिले तरकियती कमिश्नर दरबार में मौजूद अफसर हिदायत दिमित लूकन हिंद मुश्किल दूर करनेस हवाल गरज चुकसान अंजाम दिन यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल कम वक्त मज दूर कर। जी गवर्नमेंट की हिदायत पर मामूल की तरह आज भी बुधवार को ब्लॉक दिवस का अहतमाम किया गया जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने की। तमाम जिला के अफसरान मौजूद रहे, अवाम की शिकायत दर्ज की गईं, छोटे मसाइल का मौके पर ही अजाला किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के मसाइल दर्ज किए गए इनको गवर्नमेंट की तरह प्रोसेस किया जाएगा। मुद्दा और मकसद ब्लॉक दिवस का यही है कि सरकारी काम में शफाफियत लाई जाए और अवाम के मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। हमारी अवाम से यही दरख्वास्त रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस ब्लॉक दिवस में पार्टिसिपेशन करें ताकि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। शहरी खास श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद पत्म कैया दौ पे इलाक में मोबाइल इंटरनेट तो नेटवर्किंग मुतासर सपजम यम कि तलब इलम ताजरन तो आम लूकन सेठ मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत शहरी खास इलाक मज ग मोबाइल इंटरनेट तो नेटवर्क सर्विस बहाल कर युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमारा यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे नेट बंद हो गया, वो पता नहीं हमारी तो नेटवर्क भी नहीं चल रही है, फ़ोन भी नहीं ऑन हो रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा मसला है जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो हम एमपीए करते हैं मगर हमारे जो नेटवर्क ही नहीं चलती है तो एमपीए कहाँ होगा। हम बहुत मुसीबत में यहाँ पे है, अब हम ही नहीं यहाँ पूरा जो डाउन टाउन एरिया है हमारा, मतलब जो यहाँ शहरी खास है पूरा शहरी खास में नेटवर्क ही नहीं चल रही है। बच्चों का मुस्तकबिल जो है इसी पे है, नेट पे ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, वो भी नहीं इस बार ही हो रही है। इस बार कॉनिबल पापरिक लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे मुकामी सड़क हज खस्तहली हवाले कैयाई फिर हुकाम जोन इलाक कुन फिर आव ताहम चुन आज तम कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। ड्रेन अच्छा बना पक वो आज ये हालत ये पगह शिशुर लगे ये बन खंडरात यथ मज ग गाड़ी दुब ये लिहाजा कर गई सरकार नवाजिश अस पे तिजी गई मिन्नत अस पे अगर तम तवजू ये कुन दी हन वक्ती तौर आर्जी तौर अगर मदावा कर मे व
تہند وسادت سے یسان کہ سرکار دی توجہ یت کن تاکہ یہ سڑک ہند معاملہ اس یہ گھا وقتی طور حل یہ شن برو کہ اگر شین پیو پتہ حال دیتے اس نس بنی یپ پکن پٹھان سے اسے یوت کنمل سی وات کی یپ منپارک تہ پکان یپ چھت لمگ تہ پکان یپ وینک تہ پکان یخ یپ پکان مختلف گامن ہند لک تو سہ گئی سرکار مہربانی مگر تہند وسالت کران اپیل حس میں پرزور کہ یت سڑکہ دیو ڈرین مہربانی کرت حس اس کرے واریہ زیادہ اپیل یمن کھانا توجہ دان سڑکہ کن پلیز مہربانی کرت اپیل کران یا دیو چوڈر بڈگام کے لوکو طرف سے شکایت باوان ون آمت زدو مین چوکس میں ٹریفک جام آنے کن وز وز لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو یہ معاملہ کئی آئی پھر انتظامی نوٹس من ان آو تاہم چھ آج تام کھانا سنجید قدم تلنا آمت مقبی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کر آمت زیات معاملس کن گھر زون دن یون یت زن عام لوکن بتن ول مشکل دور کرنے یون یپ انتظامی کو افسرو طرف ون آمت ٹریفک جام کم کرنس من لوکن ہند اتوا سٹھا ضروری یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین ٹریفک پولیس کا خالی 4 بجے تک کام ہے کیونکہ یہاں 5 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک اتنا جام ہوتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. کل ایک ایمبولینس پھنسی تھی جس میں ایک پیشنٹ کریٹیکل تھا, اس پل سے یہاں تک اس کو 1 گھنٹہ لگ گیا جو کہ 1 منٹ کا سفر نہیں ہے. پھر یہاں کے جو دکاندار ہے انہوں نے جام نکالا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی, ادروائز اس کی ڈیتھ ایمبولینس میں ہی ہو جاتی. اب جو یہاں کے مقامی سرکار ہے جیسے کہ ایس ڈی ایم صاحب ہے, ایس ایچ او صاحب ہے یا ایل جی سرکار سے, ان سے ہم آپ کے مادھیم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کیا جائے کیونکہ یہاں ہر کوئی خاص و عام اس حال میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اوپر سے جو یہ سومو والے ہیں یہ سارے سومو 5-10 سڑک پہ لگاتے ہیں. اگر ان کو سری نگر جانا ہے تو ایک ایک سومو لگا دیجئے سائڈ میں, تو وہ جب نکل لیے گی تو دوسری سومو لائیے, لیکن یہ 5-10 سومو لگاتے ہیں جس جو بھی ایک کارن ہے جام ہونے کا. تو لہٰذا اس پر خاص کر جو یہاں کے ٹریفک انتظامات ہے یا ایس ڈی ایم صاحب ہے ایس ایچ او صاحب ہے ان سے میں آپ کے مادھیم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ آپ نظر ثانی کیجئے ایک بار. آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ اس میں ایک تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو سڑک چاڑورا ٹاؤن کی ہے یہ پچھلے تقریباً 30-40 سال سے یہ سیم سڑک وہی ہے اور ٹریفک کا جو ہے وہ بہت زیادہ مینی فولڈ اس کا انکریز ہو چکا ہے. لیکن اس میں ہم نے کچھ اس میں آج کل جو ہمارے اس کی ایک اور وجوہات بھی ہیں, کچھ منرل بلاکس یہاں پہ آکشن ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو ٹرکس وکس کا بھی آنا جانا رہتا ہے ہیوی ٹریفک کا, اور ہم نے امیڈیٹ جو پچھلے کچھ دنوں سے یہاں جام ہو رہا ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ہیوی ویکلز کے لیے جو ہے آرڈرس ایشو کر لیے ہیں کہ ان کو ہم ریسٹرکٹ کریں گے کچھ ٹائمس کے لیے تاکہ جو ہے جو ہمارا پیک ٹائم ہوتا ہے اس پہ اس ٹائم پہ ٹریفک کا جو ہے جام نہ ہو. اس کے علاوہ انسٹرکشنز ہیو بین پاس ٹو ٹریفک پولیس آلسو دیٹ جو بھی ہماری سومو والے حضرات جو باہر سڑک پہ رہتے ہیں ان کو بھی بتایا کہ اسٹرکٹلی ان کو فارورڈ کریں کہ سڑک پہ نہ رہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہاں پہ رش نہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ میں اس میں سب سے زیادہ جو ڈسپلن کی بات ہے وہ ہمیں بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہم سرکاری ملازم ہیں عوام ہیں, سب کو چاہیے کہ کم از کم سڑک پہ گاڑیاں نہ رکھیں کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل ہیومنلی کہ ہر ٹائم پہ ان کے پیچھے بندہ رہے اور ان کی گاڑی کو جو ہے وہاں پہ بگائے اور ان کو وہاں پہ استدعا کرے. تو ناظرین اس سے بہت کوشر خبرنامہ ان دیو, اجازت, خدا ہے سوال ہے.